वॉइस मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Am I audible now properly? Yes. 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 Okay. Yes, ma'am. Okay. So, कैसे लग रहा है मुझे देख के? बहुत अच्छा। Shocking. मतलब, are you people still in the shock? Like, अरे, science पढ़ना पड़ेगा अभी. At least 1 hour we have to go with science again. Is it something like that? No. No. All my children are happy to see me here. Yes. 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 भी ऐसे बोल रहे ना जैसे जबरदस्ती कोई बोलने के लिए बोल रहा है ऐसे yes बोल रहे। Okay. Mute yourself, everybody. So let us see what we have done in the last lecture. We are on the first chapter, right? Yes. Reality and evolution. We are about to finish off with the chapter, if I'm not wrong. Yes. Yes. Okay. So last time assignments मैंने दिया था तो many of the people have given me. Just I wanted to correct a few. अभी वो किसने लिखा है वो तुम लोग एक बार देख लो. Somebody has given me DNA का structure बना के. क्यों मतलब DNA तो मैंने मांगा ही नहीं था. मस्त DNA का structure बना के दे रहे. DNA तो पूछा ही नहीं था ना. फर्स्ट असाइनमेंट गिवन वर्स ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बराबर उसका सिंथेसिस का बनाना था। सेकेंड असाइनमेंट मैंने दिया है कि जो भी एविडेंसेस हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल वट एवर इट मे बी वो 6 एविडेंसेस आपको डिटेल नॉट डिटेल बट एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल ऐसे कवर करके लिखना था। सो समबडी आई थिंक देविका नहीं आई एम नॉट श्योर नॉट देविका अभी लास्ट में कल मैंने जिसको भेजा चेक करके तो somebody has written कितना जस्ट 1-1 लाइन रिगार्डिंग दैट अगर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एविडेंस तो तुम लोग 1-1 लाइन लिखोगे उसके ऊपर एन स्टैंडर्ड में no. अभी 6 एविडेंसेस दिया है तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे 6 एविडेंसेस के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट सो एटलीस्ट मतलब इंसान को लगना तो चाहिए कि मैं इसको एक एक मार्क दूं तो कम से कम 2 पॉइंट एक एग्जांपल इतना तो लिख ही सकते हैं और किसी ने तो कनेक्टिंग लिंक्स भी उसमें डाल के रख दिया है क्यों डाला बाबा कनेक्टिंग लिंक उसके अंदर कनेक्टिंग लिंक आता है क्या एविडेंसेस में पहले तुम लोग वो कंफर्म करो कनेक्टिंग लिंक आता है क्या एविडेंसेस में नहीं नहीं वो बस अंडरस्टैंडिंग के तो ये सबरेश हाँ क्यों बोल रहे हैं क्या आएगा जरा बता सबरेश स्टार्टिंग से बता कौन सा एविडेंसेस पढ़ा है हमने सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल वेस्टिजियल पैलेंटोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल और एक कौन सा है कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक्स भी तुम लोग एविडेंसेस में लिखेंगे क्या नो मैम व्हाट यू फील लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए हम सिर्फ एविडेंसेस की बात कर रहे हैं ना तो ओनली 5 दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तबरेज कंफ्यूज है क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ सो कनेक्टिंग लिंक उसमें नहीं आएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग और अगर हाँ अगर स्कूल में कुछ बोलते हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट मेरे हिसाब से तो उसमें नहीं आना चाहिए बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग रिगार्डिंग द एविडेंसेस सो मोस्टली एम्ब्रियोलॉजिकल तक ही आना चाहिए ठीक है जिसमें और पैलेंथोलॉजिकल जिसमें कार्बन डेटिंग के बारे में आपको बोलना है कार्बन डेटिंग का तो मैंने किसी के इसमें डिटेल देखा ही नहीं
ऐसे इस नाम के लिए दो दो पॉइंट लिख के दे दिया क्या तुम लोगों ने? आई एम हैप्पी दैट यू पीपल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट्स बिफोर टाइम बोलो ऑन टाइम बोलो जो भी है बट एटलीस्ट यू हैव सबमिटेड सो आई एम हैप्पी. बट नेक्स्ट टाइम जब मैं असाइनमेंट देती हूँ तो मुझे यहीं पे आंसर्स पूछ लिया करो कि मैम क्या लिखना है उसमें. मे बी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यू कुडंट राइट इट प्रॉपरली बिकॉज यू डिडंट न्यू अबाउट व्हाट हैज टू बी रिटन. और डायग्राम का तो पता नहीं कौन है वो लॉस्ट माइंडेड पर्सन, पूरा डीएनए का डायग्राम बना के दिया है मेरे को. डीएनए का डायग्राम आने भी वाला है क्या एग्जाम में? मैंने क्या बोला था, डीएनए दिया भी नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो कहाँ से बनाया पता नहीं कौन है वो, मेरे को उसका नाम अभी नोट डाउन नहीं किया है मैंने, नहीं तो मैं पूछने वाली थी. जो इसकी वजह से तुम लोग का मार्क्स जाता है बोर्ड्स में, टीचर आस्क यू वन क्वेश्चन एंड यूर रिस्पॉन्डिंग विद सम अनदर क्वेश्चन, तुम लोग आंसर कुछ और ही कर देते और फिर बोलते मैम मैं तो पूरा लिख के आता रहे. लेकिन पूरा क्या लिखा है वो तो देखो, पूरा तो पूरा लिखा है फाइन, बट देन व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर, जो जिस्ट है उसका आंसर वही आना चाहिए. अगर मैं पूछती हूँ कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में 2 मार्क्स में मुझे एक्सप्लेन करो, तो उसमें सिर्फ कनेक्टिंग लिंक्स ही आना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू पुट एनी ऑफ द एविडेंसेस इनटू दैट. समझ रहा है क्या? सो नेक्स्ट टाइम से, और वैसे भी अभी सेकेंड कल तक दिया ना मैंने डेडलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो अभी जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग वो चेंज लाके मेरे को भेज सकते हो. कैसा? तो अब अगर मैं अभी ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल, तो ठीक है एम्ब्रियोलॉजिकल इज अ वेरी शॉर्ट दिस थिंग, मतलब उसका आंसर ही बहुत छोटा है, तो वो जितना दिया है वो तो आप उतना ही लिखोगे, दैट इज अंडरस्टूड. बट उसके अलावा मॉर्फोलॉजी हो गया, एटलीस्ट थोड़ा सा लिखो ना उसमें 2-3 लाइन कि अरे हाँ मतलब क्या क्या सिमिलर है. फिर पैटाजियम ऑफ अ बैट, वो एग्जाम्पल वगैरह तो मैंने देखा ही नहीं किसी केस में ज्यादा. तो द वन हु लेफ्ट, मैंने लिखा एग्जाम्पल, हाँ तो मैं जो जिसने नहीं लिखा है उनके लिए बोल रही, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू डोंट राइट द एग्जाम्पल समझेगा. अभी मैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पूरा डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है सामने वाले को समझ भी गया, एग्जाम्पल ही नहीं दिया तो समझेगा कहाँ से. अभी लैमार्किज्म के बारे में मैं आज तुम लोग को असाइनमेंट देने वाली हूँ, तो क्या लिखेंगे लैमार्किज्म में? वही लिखेंगे जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, जिराफ का एग्जाम्पल देंगे उसमें. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर डार्विन के बारे में पूछती हूँ तो रेड बग्स और ब्लैक बग का एग्जाम्पल उसमें आना चाहिए. जब भी कोई थ्योरी पुट होता है या कभी को कुछ भी देते हैं तो एग्जाम्पल के साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ना, सिर्फ थ्योरी देके निकल जाते हैं क्या? ठीक है समझ रहा है? तो जो अभी जिन्होंने भेज दिया है वो वापस रीसबमिट मत करो. आई रिपीट द पीपल हु हैव सेंट मी डोंट रीसबमिट दैट टू मी. वो हो गया, मैंने अप्रूव कर दिया है उसको सिंस इट वॉज योर फर्स्ट टाइम. बट जो लोग बाकी है, जो नहीं बहुत लोग बाकी है, मैंने देखा पेंडिंग में बहुत लिस्ट बड़ा था, पर उनको टाइम दिया है कल तक बिकॉज 2nd of July वो डेडलाइन दिया था. सो इट इज ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, कल तक तुम लोग भेज सकते हो. तो कल तक मुझे अभी जो लोग भेजने वाले हैं वो आर लेफ्ट, दोज ऑल कैन मेक द चेंजेस. एम आई क्लियर? यस ओके. इससे क्या होगा, ये एक एक आंसर अगर लिखते जाओगे सो यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड विद दोज आंसर्स. तो उसको असाइनमेंट के तौर पे मत देखो, उसको प्रिपरेशन के तौर पे देखो कि ओके वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड विद दैट. समझ में आ रहा है सबको? ओके, शैल वी मूव अहेड विद द टॉपिक नाउ? यस ओके. या सो अनघा, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट थिंग वी हैव कंप्लीटेड? सो वी हैव कंप्लीटेड डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. हां लैमार्किज्म, वी हैव कंप्लीटेड लैमार्किज्म. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू? स्पेशिएशन. यस speciation, we have to start. PDF kuch okay, what is the next thing? Speciation. PCHs, okay.
Okay, after speciation, we have to start with human evolution directly, right? Yes. Speciation. Yes, speciation से start करना है. हाँ तो सब तुम पढ़ना start करो ना speciation से. अच्छा okay okay. Formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. Species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grows in specific geographical conditions. Their food, habitat, reproductive ability, and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. Okay. What do you understand by the word speciation they have given you? Species pata hai sabko? Yes. Yes. Species word to suna rahega. What do you understand by the word species? Prajati. एकदम हिंदी मराठी वर्ड देखे है तुम लोग ब्रीड्स ऑफ एनिमल और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मैं ऐसा बोलूंगी कि स्पीशीज आर यू नो लाइक वैरायटी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर एग्जांपल अभी प्लांट का ही लेते हैं तो वेरी वेल नोन एग्जांपल इज ऑफ हिबिस्कस साइंटिफिक नेम फॉर हिबिस्कस पता है अच्छा मैंगो का बता दो ये तो मैंने रिपीट भी किया है कितनी बार बोला है अच्छा हिबिस्कस का नहीं बोला बट एटलीस्ट मैंगो लास्ट ईयर भी बोला था मुझे इतना भी याद है लास्ट ईयर मैंने कौन सा एग्जांपल्स दिया था मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रोजा सिनेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिबिस्कस नाउ Hibiscus is available around us. देखा है कभी hibiscus का plant देखा रहेगा, flowers देखा रहेगा. So which color are hibiscus in? Red. Red. You have different species of hibiscus. Have you ever seen the different colors which are present in hibiscus? Yes. Yeah. Yes. Yes. Tell me which colors. White color. White. Yes. White. White. Pink. Baby pink color का एक आता है. Then white. Even yellow is seen, which is rare. But then yes. So these are the different types of species. Now every organism, I'm not considering only human, I'm not taking any of a particular animal. I'm talking about every organism. Toh usme microorganism bhi aa gaya, har ek. Everybody wants its own population to grow. Do you agree with this point? Yes. Every population, like every species wants its own population to grow. So then what is going to happen? They will try to find their partners. They will try to mate and they will increase their population. इसी तरीके से हर एक species अगर सोचता है, I'm talking about a normal organism, उसका different species. So don't you think each and every species is going to get increased in their own population? So this concept of taking their own, like मेरा खुद का characteristic should go into the next generation. The same to the next generation. So the carry forward thing which is happening, which has happened right from my ancestors to me, from me to the next future generations. So this thing or this concept itself is called as speciation. You have different types of the, you can say spreading ya fir the distribution of them is called as speciation. Ma'am, iska advantage kya hai? Hum kyun padh rahe? So you know that many of the species are discovered. पता है बहुत सारे प्लांट्स के एनिमल्स की स्पीशीज बट देर आर स्टिल मेनी ऑफ द स्पीशीज लेफ्ट विच आर नॉट बीन नो लाइक अभी तक उनका डिस्कवरी हुआ नहीं है मतलब अभी तक वो ऐसे अननेम्ड है अननेम्ड समझता है तुम लोगों को पता ही नहीं
which might be discovered later in future. अभी तक जितने हुए किसको पता नहीं था कि इतना करेंगे, but then that is again a part of evolution. Ma'am, how can evolution be related to speciation? More number of species, they will try to get more of their population. Don't you think even they will try to evolve? They will become yes. advanced. So that is how is about the evolution part there. Clear? That's the only thing they have given you about speciation. वैसे अगर आप जेनेटिक्स में देखोगे तो स्पीशिएशन इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बट सिंस यू आर इंटेंट वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ इट. फाइन, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस? ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी? यस. सो आई हैव रिटन देयर एज ह्यूमन एवोल्यूशन. ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल. You have in your textbook एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे देखेंगे सब लोग, Dryopithecus, Egyptopithecus, ये Pithecus, वो Pithecus, सब डाल के दिया है. Can you see it? Are you following me? What I'm telling you, right? उसमें बहुत सारा years दिया हुआ है, this many years, 0000 डाल के दिया है. So instead of studying that table and getting confused, what I have done, I have written everything in short over here, which you can see on your screen. So ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, like 7 crore years ago, what happened, इसकी वजह से which animals came into existence, फिर उसके बाद में 4 crore years के बाद में क्या हुआ, 2 crore के बाद में क्या हुआ. So what do you think? Are we going in ascending order or descending order? ऊपर जा रहे कि नीचे? उसके बाद में हम धीरे धीरे नीचे ऐसा कर करके 1 crore पे आ जाएंगे, फिर 40 lakh years पे आ जाएंगे. मतलब ये किधर आ रहा है मानो, मैं अपनी तरफ आ रहा है ये चीज. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रही हूँ? जो स्टार्टिंग में हमने इवोल्यूशन के बारे में अभी देखेंगे, जैसे मैं फर्स्ट वन एक एग्जांपल देती हूँ, सॉरी मैं बहुत ज्यादा आगे चली गई, 1 minute. हाँ, ह्यूमन एवोल्यूशन 7 crore years ago an asteroid hit the part and the last dinosaurs which were there, they got disappeared. फिर क्या हुआ, श्रू लाइक एंसेस्टर्स से मंकी लाइक एनिमल्स बने होंगे. सो दिस इज not my assumption, this is not my conclusion, this is what the history says according to the fossils. Shrew pata hai rat ke jaisa ek chota sa organism hota hai, dekha hai kabhi shrew? Dekha hai shrew? Nahi. No, nahi dekha hai kisi ne bhi? Nahi. Okay, so shrew jo ye organism hai, isse monkey like organisms बनना start हो गए. So what do you think? मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है 7 crore years ago, क्या हो रहा है? Evolution का start हो रहा है. तो हमारे पहले कौन थे? Dinosaurs थे. What happened to dinosaurs? Completely disappeared. मैम यहाँ पे कौन सा theory आता है मालूम है? कोई पता है आपको कौन सा theory है यहाँ पे जिसकी वजह से ये पूरा universe जिससे form हुआ था वो theory कौन सा है? ये भी नहीं पता. बिग बैंग थ्योरी. तो यहाँ पे when 7 crore years ago when an asteroid came, वो उसी पार्ट पे हिट किया और वही उस पार्ट में डायनासोर्स वर प्रेजेंट. व्हाट हैपेंड? द डायनासोर्स डाइड, वेंट कंप्लीटली डन, मतलब उनका पॉपुलेशन ही पूरी तरीके से खत्म हो गया. फिर श्रू लाइक एंसेस्टर्स, उसमें से श्रू आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक रैट्स, फिर उसमें से दे माइट बी द एंसेस्टर्स. सो धीरे धीरे वहां से मंकी लाइक एनिमल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट. नाउ वी आर अप टू वेयर? नाउ वी आर टू द 4 crore years इन अफ्रीका. अब हम अफ्रीका के स्टडी कर रहे हैं. टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग. व्हाई डू यू थिंक द टेल ऑफ द मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड डिसअपियरिंग? व्हाट माइट बी द रीजन? उनका हैबिटेट चेंज हुआ रहेगा, उनको यूज नहीं होता होगा, यूज नहीं होता अफ्रीका में अभी. या यूजलेस हो गया, एग्जैक्टली जस्ट लाइक योर वेस्टिजियल ऑर्गन. तो सबसे पहले जब बोलो, दिस इज लाइक अ स्टोरी, ओके, यू हैव टू लिसन इट लाइक अ स्टोरी, आंसर जैसा मत सुनो, स्टोरी के जैसा सुनो. तो जब वो लोग स्टार्टिंग में आए होंगे तो उनको उनकी टेल्स की जरूरत पड़ती थी यहां से वहां, वहां से यहां जाने के लिए. अब क्या हुआ,
एनलार्जमेंट इन द ब्रेन स्टार्ट हो गया, उनके हैंड्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए और उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गया. मतलब मंकी से नाउ द ऑर्गेनिज्म इज बिकमिंग अ बिट एडवांस होते जा रहा है. समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? धीरे धीरे थोड़ा एडवांस होते हुए जा रहा है. तो दिस कैन बी कॉल्ड एज इजिप्टोपिथेकस द ऑर्गेनिज्म. और फिर तुम बोल सकते हो कि वो जो एक स्पीशीज जो 4 करोड़ ईयर्स पहले था उसको इजिप्टोपिथेकस बोले. उसके बाद में हम थोड़ा और आगे जाएंगे. 2 करोड़ ईयर्स सम स्पीशीज ऑफ एप्स इवॉल्व्ड इन अ डिफरेंट वे इन अफ्रीका ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट. अभी हम अफ्रीका में ही है, हम अफ्रीका से निकले हैं क्या? नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट इजिप्टोपिथेकस. सो इन अफ्रीका ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से डू यू थिंक वहां पे रेन्स भी ज्यादा होते होंगे? नहीं, यहाँ रेन्स विल बी वेरी लेस. बिकॉज ऑफ दोज रेन्स, लेस रेन्स, व्हाट हैपेंस? द फॉरेस्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. धीरे धीरे फॉरेस्ट भी कम होते गए. डोंट यू थिंक इफ द फॉरेस्ट नंबर इज डिक्रीजिंग द ट्रीज नंबर आर डिक्रीजिंग? इफ द ट्रीज नंबर आर डिक्रीजिंग, डू यू थिंक उनको अभी जरूरत है ट्रीज पे चढ़ने का? नहीं, नहीं. ट्रीज ही नहीं है तो कहाँ पे आएंगे वो? धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गए. कहाँ पे आ गए? लैंड पे आ गए. समझ में आ रहा है क्या? They started living on the land. ठीक है? They started living on the land. Once they came on the land, now what happened? Their lumbar bones. What do you understand by the word lumbar bones? मैंने वहीं पे लिख के दिया है. अपना backbone जो होता है, vertebral column, उसके नीचे. So the lower bones which are present in your vertebral column, उनको lumbar bones ऐसा बोला जाता है. You have sacrum, you have lumbar, and then you have coccyx. What is the coccyx? इसके बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. बहुत लोग उसको coccyx भी बोलते हैं, मैं coccyx ही बोलती हूँ बिकॉज दैट वही मैंने मेरे टाइम से पढ़ा हुआ है. सो वेन द लेग्स सॉरी वेन द टेल स्टार्टेड वैनिशिंग, सो टेल तो वैनिश हो गया बट दैट बोन रिमेन्ड ओवर देयर, सो दैट बोन इज कॉल्ड एज coccyx. दिस वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. आर यू फॉलोइंग मी और इट्स जस्ट मी गोइंग अहेड विद द पोर्शन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. स्टोरी के जैसा सुनेंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा, आंसर के जैसा पढ़ेंगे तो नहीं समझेगा. सो स्लोली यू कैन इमेजिन दिस थिंग्स कि स्लोली व्हाट हैपेंड, उसका लंबार बोन्स जो है दे स्टार्टेड बिकमिंग इरेक्ट, जिसकी वजह से दे कैन स्टैंड इन अ स्ट्रेट पोस्चर नाउ. तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉरेस्ट में ट्रीज पे रहते थे, टेल्स का जरूरत पड़ता था. स्लोली ग्रेजुअली द फॉरेस्ट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से दे हैड टू कम ऑन द लैंड. उनको आना पड़ा, उनको कोई लेके नहीं आया, वो खुद ही वहां से आए. तो व्हाट डू यू थिंक, इवोल्यूशन हो रहा है क्या? यस, हो रहा है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ सिंस द एप्स वर वॉकिंग ऑन 4 लेग्स, अब वो एप्स है मंकी जैसे 4 लेग्स पे चल रहे हैं. नाउ व्हेन दे आर वॉकिंग ऑन द लैंड दे कुडंट सी द प्रेडेटर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. यू वॉक ऑन द 4 लेग्स राइट ना, अभी तक हैंड लेग का डिस्क्रिप्शन हुआ नहीं है ज्यादा. So if you're walking on your 4 legs, can you see who is behind you? Of course, no. So humko kya chahiye? When you stand erect, straight, the moment you turn back, you can see who's behind you. You can immediately take an action. So slowly and gradually, unko realize hua ki mujhe peeche dekhna hai. Abhi aise 4 legs pe rehke peeche dekhna is difficult. To samne se kaun aayega pata nahi chalega. Are you understanding? So usne kya kiya? Dheere, 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 stand hoke. They started standing erect and they started using their necks for looking here and there for the predators. Now what happened? Their hands were free. Hands free the na unke. Kuch kaam hai abhi haath ko. Unko 4 limbs bolte the wo log. Kyun? Because they used to use their hands for walking. Earlier, matlab wo log kya karte the sabse pehle? Walking ke liye use karte the. Abhi hands are free. तो हैंड से कुछ ना कुछ, चलो इसको उठाओ, ये ग्रैब करो, लीव्स निकालो, ये करो, नीचे पत्थर है तो फेंको, कुछ भी करो, एनी ऑफ द एक्शन. व्हाट यू डू व्हेन यू आर फ्री? यू डू एनीथिंग इन लाइफ व्हेन यू आर फ्री? बस मुझे बोलने दो, लेक्चर डन, अरे बस अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ. हाउ फ्री यू बी इन योर लाइफ. सो अभी उनका हैंड्स आर फ्री, सो व्हाट दे विल डू, देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज एंड दीज वर कॉल्ड एज द ड्रायोपिथेकस. सो हमने इजिप्टोपिथेकस के बारे में देख लिया. इजिप्टोपिथेकस कहाँ पे थे? अफ्रीका में. धीरे धीरे हम लोग जब नीचे आ रहे हैं तो हम ड्रायोपिथेकस तक आ गए. अभी हम आगे पढ़ेंगे द चिंपैंजीज, गोरिल्ला एंड इवन द ह्यूमंस, दे हैड बिकम द कॉमन एंसेस्टर्स एज ड्रायोपिथेकस. सो वी कैन से ड्रायोपिथेकस आर आवर कॉमन एंसेस्टर्स.
हम तीनों का व्हाई कॉमन एंसेस्टर्स बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लिफ्टिंग अप देयर हैंड्स दे हैव स्टार्टेड हैविंग एन इरेक्ट पोस्चर अंडरस्टूड ओके बिकॉज अदर्स गॉट इवॉल्व फ्रॉम दिस आई से आई रिपीट अगेन बिकॉज अदर्स गॉट इवॉल्व फ्रॉम दिस which are also called as the knuckle walkers. You understand? These are called as knuckles. ये ऐसे fist करो. ये जो है यहाँ पे bones. 1, 2, 3, 4. जिसपे आप लोग months गिनते हो ना January, February, March, April, May. I used to do that. Not used to. I do it today also. Which month? June. Okay. January, February, March, April, May, June. Okay. 30. So that strategy is even used today. We used to do it in school, and even now it's very easy way to know the days of months. Okay. So these are your knuckles. In knuckles pe wo chalna unhone start kar diya. Ab unko pata nahi hai haath aise use karna hai ya aise karna hai. Tumhare jaise smart nahi hai na wo log. So they don't know how to use it. So they used to walk on their knuckles. Now, one crore years ago, the first record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus, ape from East Africa. So, अफ्रीका से ही वो आ गया फर्स्ट एप अभी देखो यहाँ पे नाउ वी आर नो मोर यूजिंग अ वर्ड लाइक मंकी चिंपांजी नथिंग विच वर्ड आर वी यूजिंग हियर नाउ एप्स ओके फॉसिल्स वर आल्सो फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन इंडिया द शिवालिक माउंटेन दिस समथिंग एक्स्ट्रा विच आई हैव एडेड ओवर हियर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है इन शिवा यू नो शिवालिक माउंटेन रेंज राइट There also the fossils of Ramapithecus were found and hence they were also called as Shivapithecus. So, unka actually naam kya hai? Ramapithecus. But since they were found in the mountain range called Shivalik, so unka naam kya ho gaya wahan pe? Shivapithecus. Are you understanding? Is it boring? Yes. Boring hai, toh bhi padhna padega. No option. Fine. 40 lakh years ago, the ape of South Africa evolved and this ape grown into size and became more intelligent. Size mein badh gaya, uska brain ka size bhi increase ho gaya, brain enlargement. Size agar increase ho raha hai, toh he can, uska strength bhi badhne lag gaya, zyada kaam karega. So it became more intelligent, which were called as the Australopithecus. You have to remember the names. It can be asked in MCQs, it can be asked in name the following, it can be asked as one sentence, and of course it can be asked as a big question. Write a short note on human evolution. 5-mark question, write everything. तो मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल ओके मूविंग अहेड 20 लाख इयर्स अगो अ स्किल्ड ह्यूमन डेवलप्ड कॉल्ड एज द टूल मेकर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको टूल्स का जरूरत पड़ा होगा अटैक होने लगा तो रिएक्ट करने के लिए अभी प्रेडेटर अटैक करेगा तो उसको मुझे भी किसी ना किसी चीज से मारना है तो क्या करेंगे टूल्स बनाओ या फिर धीरे धीरे फिर एग्रीकल्चर का कंसेप्ट भी उनके दिमाग में शायद आया रहेगा उन्होंने कुछ किया नहीं बट खाएंगे क्या तो फूड तो अभी तक रुको अभी तक हमने बोलते हैं ना वो स्टोन एज तक हम लोग आए नहीं अभी तक तो उसका दिमाग धीरे धीरे चल रहा है अभी तक एक बच्चा कैसे सोचता है वैसे सोचो ना कि एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा इन्फेंट से चाइल्ड बाद में चाइल्ड से क्या बन जाएगा घोड़ा बराबर ना एडल्ट और उसके बाद में एडल्ट के बाद मिडिल एज एंड देन ओल्ड एज तो वो जब तक वो एडल्ट और वो जो एज रहता है ना जो तुम लोग का एज है ओवर स्मार्टनेस वाला एज है ना तो वो अभी वो थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस के अंदर एंटर करने जा रहा है तो अभी थोड़ा वो स्किल्ड बनेगा बिकॉज वो हैंडमेड टूल्स बनाएगा ओके सो द हैंडमेड टूल्स ऑफ द स्टोन विच वर कॉल्ड एज द होमो हैबिलिस 15 लाख ईयर्स अगो द ह्यूमन स्टार्टेड वॉकिंग विद द इरेक्ट पोस्चर Now he is much more confident. He knows that now no predator can see me. Nothing can happen because I can rotate my neck and I can see everything. What is happening? Who is attacking me? Everything. He may have existed in China and Indonesia of the Asian continent. So usko bola jayega Homo erectus. Now you understand we are entering a bit into. वैसे भी हम लोग कब से history में ही हैं. अभी और history में आते हैं. ठीक है. Evolution of the upright man. What do you understand by the word upright? जो खड़ा है वो खड़ा है. तो एग्जैक्टली स्टैंड हो सकता है इरेक्ट होके जो खड़ा है उसको अपराइट मैन बोलेंगे सो द इवोल्यूशन ऑफ द अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन एंड इट आल्सो डिस्कवर्ड फायर नाउ यू टेल मी ब्रेन एनलार्जमेंट कैसे हुआ होगा
जो तुम लोग कभी भी नहीं करते हो, डायरेक्ट जो स्कूल फीड दिया है, सोचते एग्जैक्टली सोचते सोचते थिंक कर करके, तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करते. तुमको जो स्पून फीड दिया रहता है तुम लोग वही लिख देते हो. तो तुम लोग का ये क्यूरियोसिटी है ना, ह्यूमंस में क्यूरियोसिटी कितना होता है. अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल के जाऊँ कि तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, मैं तुम लोग को कल बताऊंगी. सो व्हाट बिकम्स द लेवल ऑफ योर क्यूरियोसिटी. मैम अभी बताओ, हम लेक्चर छोड़ने को रेडी है लेकिन अभी बताओ. दैट हैपेंस, डोंट मेक फेसेस लाइक दिस, एवरीबॉडी डज लाइक दैट ओनली. ऐसा अगर कुछ मैं बोल के गायब हो जाऊँ तो अरे मैम अरे कब बताएंगे कब बताएंगे. सो दैट इज योर क्यूरियोसिटी, यू कीप ऑन थिंकिंग ओवर दैट. अनघा बर्थडे इज देयर, आई हैव प्रॉमिस्ड हर, अनघा मैं तुमको गिफ्ट दूँ. सो नाउ अनघा विल रिमेम्बर दिस एंड शी विल बी लाइक ओके. एंड देन व्हेन आई रियली डोंट गिव हर द गिफ्ट, शी विल बी लाइक मैम मैं कितनी क्यूरियस थी, आपने तो मुझे कुछ गिफ्ट ही नहीं किया. सो दिस इज योर थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग केपेबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी. सो एज द मैन started increasing its thinking ability, he discovered fire. अब fire का story तो सबको पता होगा, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो भी करके yes. दिखाना पड़ेगा, बता के दिखाना पड़ेगा, experiment करना पड़ेगा, नहीं ना, everybody knows about it. Okay, Stone Age man. 1.5 to 1 lakh years ago, called as the Neanderthal man, first example of a wise man, smart, wise, used to live in caves, दिमाग चलाया, जमीन को थोड़ा छोड़ के कुछ अलग जगह पे, खुद के सुरक्षा, प्रोटेक्शन इज द नेक्स्ट पार्ट नाउ. एंड ही स्टार्टेड ऑफ कोर्स पार्टनर्स, मेटिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो कम्युनिटी में रहना स्टार्ट हो गया. ये हमारे इधर के लोग है, ये तुम्हारे है, एंड धीरे धीरे वहां पे कम्युनिटीज बनना चालू हो गया. ये ऊपर के है, हम नीचे के, हम इधर के उधर के, यू नो दैट ऑल दोस थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ. ऑल्सो सेड दैट दे स्टार्टेड देयर रिलीजन एंड द केव पेंटिंग्स. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट. सो केव पेंटिंग्स एंड ऑल, उसके बारे में तो आप लोगों ने उस दिन हिस्ट्री में पढ़ ही लिया. मैं तो यहीं पे बैठी थी, मैंने सुन लिया. व्हाट हैव यू स्टडीड अबाउट द केव पेंटिंग्स इन हिस्ट्री, राइट? सो यू कैन रिलेट दैट पार्ट ओवर देयर, व्हाई देयर वर केव पेंटिंग्स. कमिंग डाउन मोर टू 50,000 ईयर्स अगो, द क्रो-मैग्नन मैन, द क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्वड एंड आफ्टरवर्ड्स दिस एवोल्यूशन हैड बीन फास्टर दैट, ओके सॉरी, आफ्टर दिस, इट्स माय राइटिंग मिस्टेक, आफ्टरवर्ड्स द एवोल्यूशन हैड बीन much more faster as compared to the earlier ones. So it is also said that he is the closest relative of a modern man, because iske baad hi actually Cro-Magnon man se hi jo actually changes hona start ho gaye that we can see till now. 10,000 years ago abhi fire aa gaya, meat bhi wo log history mein dekha rahega na, aisa tie karke, meat tie karke niche se fire rakh ke, they used to cook food. Yes. ऐसा मत बिहेव करोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है हिस्ट्री का. प्लीज रिस्पॉन्ड, से यस और नो. यस मिस. ओके या सो अभी इतने से तो पेट नहीं भरेगा, अभी कम्युनिटीज बढ़ रहा है, फैमिलीज बढ़ रहा है. सो व्हाट दे नीड, एग्रीकल्चर. सो दे स्टार्टेड, यस, और ज्यादा चाहिए. एंड वी आर ह्यूमंस, डोंट फॉरगेट. सो नीड से ज्यादा तो अपना वांट्स होता है. एक फोन हो गया, दूसरा भी चाहिए, दूसरा मिल गया, अरे मेरे को तो आईफोन चाहिए, आईफोन हो गया, आईपैड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर गूगल फोन चाहिए, फिर गूगल पूरा गूगल ही खरीद लो. तो दिस इज, दीज आर द वांट्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस, मैन स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश द सिटी. सो यू कैन से दैट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड हैंड इन हैंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, तो उसका जो बचता है, रिमेन्स है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो चीज को कैसे यूज करेंगे? तो दे स्टार्टेड फीडिंग देम टू द कैटल्स. अभी दिमाग चल रहा है ना, अब तो वो बहुत अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बहुत स्मार्ट हो गया ना. फाइन, सो व्हाट हैपेंड, द मैन स्टार्टेड टू रेयर द कैटल्स, एस्टैब्लिश द सिटीज. सो कम्युनिटीज से, रिलीजन से लेके सब सब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन. अभी सिटीज भी बनना स्टार्ट हो गया. सो डोंट यू थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स, वो ज्यादा इवॉल्वमेंट ये हो गया ना, अभी ज्यादा ही एवोल्यूशन चल रहा है. 5,000 ईयर्स अगो the art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started over there. 400 years ago, the modern sciences, Newton, Galileo, Leonardo da Vinci, Mendel ko to hum bhool hi nahi sakte, genetics. Yes. Itne acche acche unhone inventions ya phir ye kiye hai, jo hum log physics mein dekh hi rahe hai, Newton ke bare mein, current electricity, मेजरमेंट ऑफ मैटर, जो भी है ये चैप्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस.
So because of them and their discoveries and their inventions, 200 years ago, the industrial society started evolving. Ma'am, industrial societies evolve karne ka kya zarurat pada rahega? अब जो भी एग्रीकल्चर में एक टुकड़े में दो टुकड़े में बन रहा है वो तो सब पूरे कम्युनिटी को इनफ नहीं है. तो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे, रॉ मटेरियल्स हम देंगे, वन ग्रुप विल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वन ग्रुप इज देयर फॉर रॉ मटेरियल्स, अनदर ग्रुप इज देयर फॉर प्रिपरेशन. इसके लिए अनदर ग्रुप टू मेक फिनिशिंग प्रोडक्ट्स. Yes. So another group is for processing के लिए जो भी है. Why the videos are off? इतना bore हो गया सब लोग को. मैंने पहले ही बोला था boring लगता भी है तो तुम लोग को सुनना पड़ेगा. You have no option. Okay. So in this way, slowly and gradually, it started like different types of inventions and everything जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, जो आगे भी पढ़ोगे. So this started, and in this way, the human evolution. Do you think the human evolution is stopped now? No, no, ma'am. It will never stop. It is going to, मतलब ना improvements उसमें आते रहेंगे, होते रहेगा, होते रहेगा. So इसी प्रकार से the human evolution is going to be on. Are you understanding? So hereby I conclude that we have completed our chapter number 1. Anything that you have not understood, anything, I think last part was the easiest one. क्योंकि मतलब of course थोड़ा सा मैंने the thing is वो table देख के मुझे खुद को ही bore हो गया था जब मैं सोचा कि मैं पढ़ाऊंगी कैसे. तो I was like अरे ये table में this ये सिर्फ इतना ही बोल दूंगी तो फायदा क्या रहेगा उसमें. तो I started so I thought to frame it like a story. And I did frame it like a story and I have explained you like that. So I hope it was pretty good. Yes, miss. Yes, miss. चलो आज का assignments ले लेंगे क्या? Yes. लिख के भी ले लो, ऐप में भी डाल दूंगी मैं, डोंट वरी. लिख के भी ले लो. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Lamarckism. Most wanted question. आएगा ही आएगा पक्का. Write a short note on Lamarckism. Yes, बेटा पूछो. टीचर जब ये मंकी ट्रीज कम हुआ और जब ये लैंड पे आने लगे तो ये लोग कभी क्या बोलते पीछे से प्रेडेटर्स आएंगे तो उनको समझने के लिए उनको रुकना और पीछे को मुड़ के देखना जरूरत पड़ा ना. हाँ मतलब कैसा है कि सी वंस यू आर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम अप. तो कोई कहाँ गई जा रहा है. इफ यू कैन सी कि चलो अभी कोई वाइल्ड एनिमल वहां से जा रहा है तो पर्पसली तो तुम नीचे उतरोगे नहीं बिकॉज यू कैन सी इट. सो तुम वहां से बच जाओगे. बट द मोमेंट यू अभी फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गए तो तुमको लैंड पे आना पड़ेगा. सो व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग ऑन लैंड तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि इफ दे आर वॉकिंग ऑन द फोर लेग्स. अभी हम तो सिर्फ दिन की बात करें. वॉज देयर लाइट? नो लाइट, नथिंग. सो डार्क में कितना प्रॉब्लम हो सकता था. फिर ऐसे उससे उनका पॉपुलेशन भी कम हो जाता था. तो वो सारी चीज और खुद का लाइफ बेसिकली इट्स अबाउट अपने बारे में. तो तभी उन्होंने धीरे धीरे व्हाट दे डिड ऐसा दे वांटेड टू सी अबाउट लाइक प्रेडेटर है नहीं है. यहाँ वहां घूमना स्टार्ट किया. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम द फोर दे स्टार्टेड बिकमिंग लाइक दिस. क्योंकि इतना फास्ट नहीं हुआ है. वहां पे जो गैप ऑफ द एज देखा तुम लोगों ने, वहां पे ईयर्स का जो गैप दिया हुआ है वो वैसा है. उतना इयर्स लगा है वो सब चीज होने के लिए. तो वो इवोल्यूशन के टाइम के बीच में उनका ईयर काम करता था क्या प्रेडेटर को एक सिग्नल पता करने के लिए? सी इट माइट बी यस मेबी. मेरे हिसाब से तो आईज वर मच मोर प्रोमिनेंट ना, सो दैट वाज अ बिग थिंग. बट देन वही हो सकता है कि शायद तभी इतना एफिशिएंसी नहीं रहा होगा.
तो उनका ऐसा होता पीना का तभी भी यूज हुआ रहेगा ना, हुआ रहेगा, यस यस हुआ रहेगा, खड़े होने से ना दूर का दिखता है, दूर का दिखता है अच्छे से, खड़े होने से दूर का अच्छे से दिखता होगा, दूर का भी अच्छे से दिखता है, एंड दैट इज व्हाट अबाउट द प्रेडेटर आई एम सेइंग ना, अभी पीछे से आता है दैट इज अंडरस्टूड, बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्रंट साइड इफ एनीबडी इज अप्रोचिंग और कमिंग, सो यू कैन सी दैट, सो यू कैन चेंज योर वेज, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बहुत सारी, जब देखो ह्यूमन इज लाइक दैट, खुद पे आएगा ना तो तुम अपने आप सब कुछ सीख जाओगे, एंड दैट इज द फैक्ट, आई थिंक दैट हैपेंस नाउ ऑल्सो. If your mother compels you to do some kind of work at home, you will be like, हाँ ठीक है बाद में करेंगे बाद में. एक दिन दो दिन घर पे अकेला छोड़ दिया पूरा घर मस्त करके रख दोगे तुम. मतलब that happens with me. I don't know about you. If I'm told to do this work, I'll be like, ठीक है ना बाद में कर लेंगे. But then if, when I get the responsibility, then बोलते ना मराठी में अंगावर पड़ल तुम्हें करना रस. That is about human nature. जब तक वो तुम्हारे ऊपर वो चीज डालते नहीं है तब तक तुम लोग वो नहीं करोगे. So it's not about only you, it's about us also. If I keep on giving you assignments और मैं check नहीं करूँ, approve नहीं करूँ, तुम लोग assignment भेजना भी बंद कर दो. अरे मैम तो देखते नहीं है ना. बट अगर मैं remarks देना चालू कर दूँ तो you understand that नहीं है. कुछ तो negative remark आने से अच्छा हम complete करके दे देते. So that is the whole about human nature since you're talking about it. मैम assignments biology के book में करने के assignments? हाँ मतलब अगर तुमने बनाया है एक book तो fine. बनाना ही पड़ेगा ना एक साइंस का बुक. इफ यू वांट यू कैन यूज लाइक पार्ट वन पार्ट टू करके भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज योर चॉइस. ऐसा कुछ सेपरेट ही बुक, पहली बात तो ये है कि मैं बुक के लिए कभी बोलती नहीं हूँ. मतलब आई थिंक कोई मेरा ओल्ड स्टूडेंट रहेगा तो वो बोलेगा कि इफ यू रिमेंबर आई थिंक ज्ञानेश्वरी इज देयर, सो शी माइट बी नोइंग, इवन आरुषि इज देयर, तो उनको पता होगा कि मैंने हमेशा बुक के लिए क्या बोला है कि नया खरीदो ऐसा नहीं बोला. इफ यू हैव योर ओल्ड एनी ऑफ योर बुक्स यू कैन टेक द पेजेस, यू कैन स्टेपल देम, इवन दैट यू कैन यूज इट. Since it is like this, so I am not able to check any of those. बस मुझे ये प्रूफ चाहिए कि आप लोगों ने खुद के हाथ से वो सब लिखा है तो वो मुझे असाइनमेंट में दिख जाता है. किसी और से लिखवा के ले रहे हो तो वो मैं नहीं जानती. ऐसा कुछ है? No. No. Oh. Fine. So I hope everybody is clear till here. Yes. ये चैप्टर फिनिश हो चुका है तो इसका मैं असाइनमेंट तुमको बता देती हूँ. प्लस मैं इसका असाइनमेंट आज ऐड भी कर दूंगी. एंड सिंस दिस लाइक इमीडिएट मैंने ये आज लेक्चर लिया हुआ है सो मैं तुमको डेडलाइन दूंगी 6th of July का. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. 4 days yes. की और आगे बढ़ाओ, जितना आगे बढ़ेगा असाइनमेंट भी बढ़ते जाएगा. No, happy? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Any of the doubts if you have regarding this chapter, what we can do is, अभी इसके बाद में आपको क्या चालू करेंगे? Okay, any idea about what is happening in your schools? वो देखना ज़्यादा important है. First chapter complete करके second number two चल रहा है. चालू भी कर दिया second. अच्छा अपन ने पहले animal classification दिया ना? लेकिन उन्हें. But anyways, we are one chapter ahead than your schools. Anyways, we are one chapter ahead from your schools because right. Second chapter. हाँ वो लोग अभी सेकंड भी खत्म करे तो अपना 6 तो रेडी है ऑलरेडी. ठीक है. सो आई थिंक ओके सो फाइन सो आई कंक्लूड दैट दिस इज ओवर, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, हाउ इट हैपेंस. आई लेट एम आई क्लियर टिल या? Yes. Ask to me in the next lecture. No problem. No doubt. Okay. No doubt. Very good. I'm asking everybody. ठीक है चलो let's wind up with the session. चलो take care. Bye miss. Thank you. Bye miss. Thank you. Ma'am, assignment sirf Lamarckism ही है ना? Yeah, only Lamarckism. अभी तक के लिए बाकी कुछ रहेगा तो I will add it up in the app, so don't worry about it. Okay? चलो. Okay, ma'am. Miss. Yes. Ma'am, can I use kids notebook? Yeah, no problem. Use it. सिर्फ अच्छे से भेजो. That is what I need. Okay? Thank you, ma'am. चलो. Yeah.